आज का जो टॉपिक है हमारा कर्व एंड रीजन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन रूल्स, पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले इस टॉपिक को बता दूँ, ये टॉपिक ये है कि हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसको उसके जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने प्लॉट करना है। तो इसके रूल्स ये हैं, फॉर बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्री होगी अगर वो लेस दैन ग्रेटर दैन होगा, हाँ, तो उसकी बाउंड्री जो होगी वो डॉटेड शो करेंगे, और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू होगा तो हम उसे सॉलिड शो करेंगे, और उसका जो रीजन हाईलाइट करेंगे फॉर रीजन हम लेस देन इक्वल्स टू इसको हम इनसाइड द रीजन शो करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आउटसाइड द रीजन और इक्वल्स टू होगा ऑन द बाउंड्री या ऑन द रीजन बाउंड्री। तो इसके पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि रियल नंबर कोई भी रियल है, उसका रियल पार्ट 2 के इक्वल है। वहाँ पर रियल नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2, उसके जो रियल पार्ट यानी एक्स इक्वल टू 2। अब हम इसको प्लॉट करेंगे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, हम एक प्लेन बनाएंगे उसमें 1, 2, -1, -2 ये रियल पार्ट इधर इमेजिनरी पार्ट होता है। अब x इक्वल्स टू 2 जो ऐसी लाइन होनी चाहिए जिस पे जो खाली जिस पे रियल पार्ट हो, यानी उस पे उस लाइन पे y जो है कॉन्स्टेंट है, तो हम x इक्वल्स टू 2 तो ये लाइन बनेगी। और x इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन के अंदर जो लाइन होती है वो सॉलिड बनती है, तो ये इसमें ओनली ये हम इसमें लाइन खींचेंगे। इस तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिसमें यह है कि क्वेश्चन ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल टू है, यानी वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। हम इसको अब हम वाई प्लेन के ऊपर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4 and -5 y less than equal to 5 का मतलब ये है कि y के ऊपर एक ऐसी बाउंड्री, ऐसी लाइन हम खींचेंगे जो कि सॉलिड होगी, क्योंकि लेस दैन इक्वल टू आ रहा है वो सॉलिड होगी, और ये होगी वाई लेसर दोनों होगी, यानी मीन्स के लेस दैन और इक्वल टू वाई, यहाँ तो वो 5 हो या तो वो 5 से सारे नीचे हैं। तो हम ये इक्वल टू यहाँ पर बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे, और इसमें हम नीचे वाला जिसके नीचे सारा रीजन होगा वो हम हाईलाइट कर देंगे, ये हो जाएगा हाईलाइटेड रीजन। और इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करें मॉड जेड इक्वल्स टू 4k। तो अब ये जो है, अब इसमें ना रियल पार्ट हो रहा है ना इमेजिनरी पार्ट हो रहा है, तो मीन्स के जो है एक सर्कल की बात हो रही है। अब हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई लिया इक्वल टू 4k। अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर इसका मॉड लेंगे, और जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हम रूट उठाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। अब इसका जो हमें आर मिल गया, यानी जो रेडियस मिल गया, ये हो गया 4 के इक्वल। और इसका जो अभी है, हम एक सर्कल बनाएंगे और ऐसा सर्कल होगा कि जो कि ओरिजिन पर लाइज कर रहा होगा। अब हमें रेडियस 4 1 2 3
1, 2, 3, 4। अब हम सेंटर से हर 4 रेडियस के फासले के ऊपर हम एक 1, 2, 3। अब हम ये जो सेंटर से जो 4 रेडियस का फासला होगा इन पॉइंट्स को हम मिला के एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। और इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू के साइन में हमेशा सर्कल बाउंड्री बनती है, तो ये हम सर्कल बना लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अभी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें हम जो है ओरिजिन जो है वो सेंटर नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें पहले ओरिजिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद वहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसकी बाउंड्री बनाएंगे। तो वो है z-1 less than तो क्वेश्चन कर लेते हैं z-1 less than 3। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसमें ऐड कर लें x+iota y-1 less than 3, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो रियल पार्ट है वो एक साइड पर कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साइड पर कर लेंगे। x-1 plus iota y less than 3। अब हम इसका रूट ले लेंगे x-1 plus iota y का स्क्वायर, मोड के अंदर खाली y लेंगे, आयोटा नहीं लेंगे, less than 3। अब यहाँ से रूट ख़त्म होगा तो वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा x-1 plus y² less than 3 का स्क्वायर। अब इसमें जो हम पॉइंट्स, अब ये हमारे जो है सर्कल की इक्वेशन बन गई, और ऐसा सर्कल जो सेंटर पे लाई नहीं करता जो कि x-h जो कि जनरल फॉर्म से ये होती है y-k = 0, यानी जो h कॉमा k हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें मिलेगा वो है 1, 0। अब हम इसको जब स्केच करेंगे, पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके ऊपर, और जो ये 3 है ये हमारा रेडियस है। हमने 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। अब हमने पहले सेंटर करना है, सेंटर ये है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो 1 है और वाई जो है 0 रहेगा, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो एक्स है वो 1 होगा बट इसके ऊपर वाई है एक्स के ऊपर वो पॉइंट 1 है और वाई यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब हम ये हमें सेंटर मिल गया, अब हमारा रेडियस 3 है। अब हमने इस पॉइंट से 3 टाइम आगे जाएंगे 1, 2, 3, एक हमें ये पॉइंट मिला, अब इसके ऊपर 3 पॉइंट आगे जाएंगे 1, 2, 3, एक ये पॉइंट मिला, अब इसके ऊपर इससे जाएंगे 1, 2, 3, एक ये पॉइंट मिला, अब यहाँ से जाएंगे 1, 2, 3 और ये एक हमें पॉइंट मिला। अब हम इसको सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे, और लेस देन का साइन है तो मीन्स के यहाँ पर डॉटेड बाउंड्री होगी। और लेस देन है तो मीन्स के जो इनसाइड द सर्कल है वो वाला पोर्शन जो है वो हम हाईलाइट करेंगे। थैंक यू। टॉपिक एंड।